डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ रणबीर कपूर की आगामी डिटेक्टिव मूवी जग्गा जासूस अब अपने अंतिम दौर पे है। इसमें कैटरीना कैफ मेन रोल में है। शुरू से फिल्म विवादों से घिरी रही है और अब सुनने में आया है कि इसकी कहानी भी ओरिजिनल नहीं है बल्कि एक अमेरिकी क्राइम कॉमेडी से लिया गया है। ये 2003 में रिलीज फिल्म द म्यूजिकल डिटेक्टर का रीमेक है। जग्गा जासूस की कहानी एक युवा जासूस के बारे में है जो अपने पिता की तलाश में निकलता है। पहले ये कुछ द एडवेंचर ऑफ टिंटिन जैसा लगा, लेकिन फिल्म में 15 के करीब गाने भी बताए जाते हैं। रणबीर कह चुके हैं कि कई डायलॉग ही गानों के रूप में हैं। ये सिमिलैरिटीज अमेरिकी फिल्म में भी है। सूत्रों की माने तो रणबीर की फिल्म इससे अलग है, लेकिन गाने के जरिए डायलॉग कहने का तरीका द सिंगिंग डिटेक्टिव से लिया गया है। द सिंगिंग एक पुरानी टीवी सीरीज थी जिस पर बाद में फिल्म बनाई गई। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक ऐसे राइटर का रोल प्ले किया है जिसे कोई बीमारी हो जाती है और वो अस्पताल से ही ऐसी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो एक गुत्थी सुलझाने में दीवाना हो जाता है और गानों और कहानियों के जरिए सुलझाता है।